We are ready for our college and very excited for our first day of college. Yo, what's up? Tell him where you're from, man. Yeah. Maja Sai. बहुत मुश्किल से हुआ है मैंने लास्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ले लिया था बट आज फाइनली कॉलेज आऊंगा विल बी गोइंग टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस दिन के लिए और फाइनली ये दिन आ चुका है तो यार काफी मजा करने वाले हैं आज दोस्तों को भी काफी टाइम बाद मिलने वाले हैं तो काफी ज्यादा मजा करने वाले हैं आज इस ब्लॉग में एंड आप सबको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा कि फर्स्ट डे में हम क्या क्या करते हैं तो ये चीज मैं पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बट काफी ज्यादा मजा आने वाला है सो यार आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप को स्टार्ट कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जरूर हमारे पुराने ब्लॉग्स और यूनिवर्सिटी ब्लॉग्स को और प्रैंक्स को चेकआउट कर सकते हो जिसका मतलब कि आई बटन पे आ रहा होगा सब तो जरूर आप चेकआउट करो अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं आज के ब्लॉग पे पहले तो यार आप शानदार सुबह देखो ये देखो भाई बादल बादल भी हैं बाकी ये ग्रीनरी और बाकी जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं जैसे कि ये देखो अभी तक हमने सामान सेटिंग नहीं किया अपना बट क्या करना है आज हमें आके सामान सेट कर लेंगे ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सबको पता है कि स्टूडेंट्स को मतलब कि हमारा ये ना सामान वगैरह वाला सेट नहीं होता इसे खुला रहता है यहाँ से कपड़े उठाए यहाँ पे कपड़े डाल दिए भाई पता क्या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डालूंगा आज पहला दिन है और पहला दिन स्मार्ट बन के जाना पड़ेगा सेक्सी बन के जाना पड़ेगा गलत मत समझो मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ ये चीज एंड अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं हो रहा हूँ कॉलेज के लिए काफी ज्यादा लेट क्योंकि कॉलेज 9:50 हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और अभी खाना खाने भी जाना है ब्रेकफास्ट करने जाना आलू के पराठे खाएंगे ब्रेकफास्ट में तो फटाफट अभी रेडी हो जाता हूँ और फिर आपको सीधा जाके मैं मिलता हूँ कॉलेज में और काफी ज्यादा मजा करने वाले और काफी ज्यादा मजा आएगा एंड आई थिंक यू गाइज विल एंजॉय दिस व्लॉग तो फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ अभी सो गाइज वी आर रेडी फॉर गले में खिच खिच विक्स की गोली लो More that thing, guys. We are ready for our college and very excited for our first day of college. और मेरी अंग्रेजी नो ignore करो क्योंकि मैंने थोड़ी जी ना मैंने पंजाबी बोल मैंने अंग्रेजी जी नहीं होगी तो यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है पर जो फर्स्ट डे पे कॉलेज में मतलब कि जो फ्रेशर्स वगैरह होते हैं और जैसे मैं फ्रेशर था मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी वो आई थी ये कि कपड़े कौन से पहन के जाऊँ इतनी ज्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं बट कपड़े चॉइस नहीं होते बट यार टेंशन फ्री होकर डाल के जाओ क्योंकि वहाँ पे पजामे में भी सब आ जाते हैं और बाकी यार अभी बस थोड़ी देर तक निकलते हैं और बाहर आप देख सकते हो धूप काफी ज्यादा है चड्डियों को इग्नोर करिए तो अभी यार बस मजा आने वाला है आज और अभी बस थोड़ी देर तक निकलते हैं पहले खाना खाएंगे देन फिर सीधा आपको जाके मिलेंगे हम सी यू एंड काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं और आदेश फर्स्ट टाइम मैं देखने वाला हूँ और मेरा रिएक्शन मेरे को चाहिए कैसा रिएक्शन आता है उसे देख के तो काफी ज्यादा मजा आएगा सो मिलता हूँ आपको मैं सीधा सी यू में यार बस थोड़ी देर तक निकलते हैं और गेटिंग वेरी नर्वस मैं फर्स्ट टाइम जब मैं आया था मैं तब भी इतना नर्वस नहीं हुआ था जितना आज हो रहा हूँ क्योंकि यार 8 महीने बाद फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ कॉलेज में तो काफी ज्यादा डर भी लग रहा है बट कोई बात नहीं यार डरने का नहीं है हमें करने का है वन थिंग टू बी नोटेड यार अपना CUMS से टाइम टेबल पहले आप निकाल लेना और अपना ब्लॉग वगैरह चेक कर लेना कि आपका ब्लॉग कहाँ पे क्योंकि अलग अलग कोर्सेज के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं सो इसी अकॉर्डिंग आप जाओगे और टाइम टेबल पे आपकी क्लास का जो सेक्शन होता है रूम नंबर होता है वो सब कुछ लिखा होता है तो वो आपको पहले ध्यान में लेकर चलना है क्योंकि आप ऑन द स्पॉट जगह पर CUMS नहीं चलेगा मेरे साथ काफी टाइम हुआ है और अटेंडेंस का पहले दिन से ही ध्यान रखना क्योंकि यार अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे अटेंडेंस की बहुत अगर आपकी कम होगी ना बड़ी लेंगे आपकी बहुत गंदी वाली लेंगे वो बस ये है बाकी बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं फटाफट चलते हैं CU के और मैं भी काफी ज्यादा लेट होगा 9 बज गए हैं 9:50 हमारी क्लास है सो लेट्स गो गाइस और अरमान भाई कैसे हो हाल चाल पूछना भूल गया मैं आपका बढ़िया कैसे लग रहा है कि फर्स्ट डे लेट हो गए नहीं कितने बजे 9:20 हो गए हैं 9:50 पे क्लास है हमारी 9:50 पे ओ माय गॉड फाइनली गाइस वी आर ऑफ टू आर यूनिवर्सिटी और दिमाग बाहर वेट कर रहा है बाहर से है अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो जरूर ऑटो लेके जाइए क्योंकि ऑटो एक परंपरा है ब्रो हे ब्रो रुक जा कैसे हो जनाब कैसा लग रहा है मेरे फाइनली है कॉलेज बाय बाय वहाँ पे खा लेंगे अब कहाँ लेट हो गए हैं चल चल दिमाग लेट्स गो लेट हो गए भाई 9:20 हो गए हैं वाट लग जाएगी
बट यार अगर कोई भी फ्रेशी या कोई नया फ्रेशी बोलूंगा मैं तो आ रहा है तो प्लीज यार ऑटो यूज करो, कोई कैब को मत कराओ, कैब बढ़िया आपकी लेगी मतलब कि पैसे काफी ज्यादा लेंगे आपसे, तो यार चलो फटाफट चलते हैं, हो गया रैक हो गया डन, चलो लेट्स गो गाइस। यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ से ऑटोज वगैरह जाते हैं क्योंकि यहाँ पे साइड पे है खरड़ बस स्टैंड और काफी ज्यादा यहाँ पे रश होता है और अभी आप जाम देख ही सकते हो, यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो बट यार टाइम से आओ तो सही रहेगा। देखो यार रश देखो आप, भाई रश देखो यार आगे भाई साहब, हिसाब से तो भीड़ बड़ी होने वाली है हमारे कैंपस में, हमारा तो टोटली डिफरेंट कर दिया भाई, मैंने देखा भी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अभी हमारा शिफ्ट कर दिया था अपना डीबीए वालों का ब्लॉग शिफ्ट कर दिया था तो अभी बस वो भी देखेंगे आज, लेट्स सी क्या है वो। और यार भाई ये आदेश नहीं भाई ठीक ठाक है डी ब्लॉग, भाई डी ब्लॉग सबसे क्या एंड था और ये तो भाई कुछ है ही नहीं उसके सामने, कुछ भी नहीं है। चलो बट चलते हैं अभी क्लास में, लेट हो गया क्लास के लिए भी तो फटाफट चलते हैं। हाँ पर अभी हो गया सबसे गंदा वाला मसला, हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही, इन्होंने पता नहीं पार्किंग कहाँ शिफ्ट कर दी हुई है, बट नहीं यार ये चीज़ें तो अरेंज होनी चाहिए पहले क्योंकि पता भी है कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, बट अभी हम स्पोर्ट्स कैंपस के बाहर ही लगा देते हैं और ज़्यादातर क्या कर सकते हैं भाई, लगा दें यहाँ पे चले फिर। चलो यार हेलमेट रख दे फटाफट चलते हैं, 9:30 9:40 हो गए हैं, फटाफट चलते हैं पहुँचते हैं क्लास में, क्लास लगाते हैं, अटेंडेंस नहीं मिस करनी भाई, बाकी सब कुछ मिस हो जाए, चले फिर। चलो यार लेट्स गो। कैसे हो, क्या हाल है, अरे चिकना हो गया ये तो यार, क्या हाल है, कैसे हो यार, पार्किंग कहाँ पे कुछ पता है, यहाँ देश का भी नहीं किया, यहाँ पे बेच रहे हैं सबको, हाँ चले फिर लगा दी हमने तो, चलो बकचोदी करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ये बोला था मेरे को तो यार पार्किंग का कोई सीन नहीं हो यहाँ पे स्पोर्ट्स कैंपस के बाहर लगा दी है तो अभी चलते हैं। और भाई तू बता क्या हाल है यार, बाकी कैसा चल रहा है, और सब बढ़िया चल रहा है, और बाकी सब आ गए अपने दोस्त वगैरह, सब आ गए, चलो अभी चलते हैं सीधा क्लास लगाते हैं और बाकी चलो चलते हैं आगे। उन्होंने सबने लिया बैंकिंग फाइनेंस, कली फाइनेंस और मैंने करीब ने मार्केटिंग, मतलब भी मार्केटिंग ही ले रखा। अरे भाई फिर तो तू मेरा भाई हुआ मेरे को लगा मैं ही अकेला मार्केटिंग वाला हूँ, बहुत ज्यादा मार्केटिंग है। फिर अचीवमेंट अनलॉक्ड, ये आदेश यही दिखाने के लिए लाया हूँ मुझे, आगे है, ओ सॉरी मैं सोचा ये है, शाबाश, पूरी चेकिंग हो रही है यहाँ पे भी, आईडी कार्ड वगैरह चेक हुए हैं अपने, क्या दिखाने की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो आईडी कार्ड। बाकी वी हैव रीच्ड आदेश, हाँ जी भैया। अरे सेक्सी कैसा है, बढ़िया भाई, क्या हाल है, सब बढ़िया भाई, बढ़िया, और कहाँ पे जा रहे हो, क्लास में जानी, नहीं भाई आ रहा है यार, भाई मिल गया हमारा फिर से, हैं और कौन सेक्शन है, अरे 606 भाई, सॉरी यार हम 607 में हैं। कैसे हो, सेक्सी कैसा लग रहा है पहले दिन भाई, गर्मी से पेट फटी पड़ी है, क्या हाल चंदू भाई, कैसे हो, कैसे भाई क्या हाल चाल, अरे अरे भरत में लाभ हो रहा है सबके यहाँ पे, आज कहाँ पे अपनी क्लास कौन सी है, ये वाला है भाई, फट गई ऊपर आते आते गर्मी से, चले फिर, चलो यार वी आर इन द क्लास, हालत देख लो कैसी हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बाकी अभी क्लास में हैं जस्ट बैठे हुए हैं, अब लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है भाई लोग तो पहले पहुँचो, पूरे टाइम पे पहुँचे हैं, बाकी अभी जस्ट चेक कर रहे हैं कौन अपना अपना दोस्त मिलता है यहाँ पर, बाकी ऑलमोस्ट सब मिलते हैं, बाकी डीके वगैरह रह गए हैं। कैसे हो, बढ़िया, और बता कब आया तू, अभी आया हूं, अच्छा दो दिन पहले आया, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या हाल है, ठीक है, बहुत ही एसी लगवा लिया, सुंदर कौन हो वैसे आप, गर्मी कैसी लग रही है बताओ, बकचोदी हो रही है पूरी गर्मी से, क्या कह सकते हैं, एसी भी नहीं बोल सकते, सुंदर नहीं सुंदर मैं भी नहीं आ रहा हूँ, मेरी टी शर्ट बेज से डार्क ब्राउन हो गई थी, गर्मी लग रही है फिर, ओ भाई मेरी खुद बहुत गंदी हालत हो गई हुई है, और भाई कैसे हो भाई, मिला हमारा ये ऑनलाइन लिया था भाई ने भी, सो गाइस अभी अभी हमें एक गुड न्यूज मिली है वो भी एग्जाम्स के रिलेटेड, जो कि दिवांश भाई खुद बताएगा,
तो जो 90% चीज है जो दिवांश भाई ने बताई वो आपको घर जाके बताऊंगा। अभी हमारी क्लासेस होगी ओवर, अभी सबसे मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं सबसे, तो अभी चलते हैं। चले भाई, चलो 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 यार, सारे दोस्त वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। अरे बस बढ़िया, और सुना क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, तेरे को बड़ा बाकी सब कहाँ भाई लोग? बाकी अभी किसी से मिलना नहीं हुआ इतना खास, अभी अभी ब्रेक होगी तब मिल सकते हैं सबसे, अभी काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे तो आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही। बाकी अभी चलते हैं नीचे, अरमत को मिलते। नाम लिया तेरा मैंने, नाम लिया मैंने तेरा। ए सर क्या, अरे फक। बाकी सही से बता रहा ना, कैंपस कैसा लगा था कोई वाला? कैंपस क्या भाई, तो दिखा तो हॉस्पिटल है। BCA वालों को भी दूर कर दिया, BCOM आ गई साइड में ही, ये ठीक है। हाँ चलो बाकी आगे चल देखते हैं क्या बनता है अभी। बाकी भाई लोग गर्मी बड़ी ज़्यादा है थोड़ा यहाँ पे, हम पागलों की तरह गर्मी में पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, बट भाई एक एक्टिवा लानी जरूरी है तो वहाँ जा रहे हैं अभी। थर्ड सेम। हाँ और भाई कैसे हो? बढ़िया। कैसी लग रही है गर्मी आ गई? मुंबई में तो ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, तो हम गर्म लोग, आप जैसे गर्म लोग। ये अपनी कैंटीन इस ब्लॉक की, ये वो थी दवाइयों वाली दुकान। भाई लोग आपको एक चीज बता देते हैं, इसमें डी ब्लॉक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, डी ब्लॉक सबसे बेस्ट है। और देख भाई क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, ये बताओ दीवारें ऊंची करते हैं तो फिर सब ठीक हो जाएगा यार। हेलो रजत भाई कैसे हो? बस बढ़िया यार, काफी टाइम बाद मिला यार मैं। बाकी यार काफी कैसा लग रहा है अभी, गर्मी का क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? ये नहीं देख रहे, ब्लैक हो गई है, और है? सच्ची में ग्रीन, हाँ ब्लैक हो गया वो, देखो पसीने से। बाकी कैसे हो सर? वी मिस यू मोमोस। बाकी सुना, बाकी सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, बस कल डाल देंगे, तू कह दे अभी डाल देता हूँ मैं, कोई चक्कर नहीं यार। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, हाँ और कुछ भी प्लीज करना, और कुछ मत करना। हम पठानकोट से यहाँ क्या करने आए हैं भाई? और जनाब कैसे हो? वेले तो क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हाउ इज योर फर्स्ट डे गोइंग ब्रो, कैसा जा रहा है फर्स्ट डे आज? हाँ हमारा तो फर्स्ट डे है ना, तुम्हारा भी फर्स्ट डे है, बेहतरीन। और बताओ बाकी कैसा चल रहा है, कैसा देश? तो आप पहले भी आए हो, हम पहली बार आए हैं देश। भाई अभी हमने कैंपस नहीं देखा, ये कैंपस की ग्राउंड है शायद, और अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा कैंपस घूमे, देखे वेखे कैसा है ग्राउंड। ग्राउंड कहते हैं खेत, खेत भी नहीं कह सकते। बड़ी पर्सनैलिटियाँ दिखती नहीं है ना भाई, मिला मेरे को भी, क्या हाल है यार? बस बढ़िया। और कैसी लगी क्लास? बढ़िया बंदे सारे, क्यों सीआर नहीं बना इस बार तू? भाई बताओ क्या हालत हो रही है हमारे इस वक्त? पट्टी पकड़ी, पट्टी पकड़ी है यहाँ पे, पट्टी यार, पट्टी जैसा गर्मी काफी ज्यादा है यहाँ पे। मैंने लगे पहले इतने घट ही होनी है, बट हूँ भाई फक हो रहा है। खुशी गर्मी कितनी है ये बता, हमारे दोस्त हमें मिल गए हैं। नहीं भाई गलती मत ना, हाथ लगाना, वो ऐसे उठा देती है मंजुरी क्या वो। बाकी कैंट लगा, कैंट लगा आपको कैंपस भाई? अरे भाई बहुत, अल्ट्रा प्रो मैक्स, आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब तू बोली फोन थोड़ी कैंपस। भाई फिर से इकट्ठे हो गए हैं एक साथ, हमारी मार्केटिंग की एक साथ क्लास लग रही है। बाकी बताओ यार कैसे हो, गर्मी कैसे चल रही है यार तुम्हारे वहां से ज्यादा? चलो यार भी क्लास है हमारी। कसम से बताऊं लाइट ने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब की हुई है यहाँ पे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है चंडीगढ़ वाली साइड, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बट चलो अभी लाइट सी, अभी अटेंडेंस हमारी डन हो चुकी है, बस वेट कर रहे हैं क्लास कब ओवर हो, क्लास ओवर होगी, अटेंडेंस होगी, क्लास ओवर हो, बस यही होता है भाई, और क्या। इस बारे में क्या बोलना चाहता है? आग लगी पड़ी है ब्रो, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट थिंग? क्या चाइना प्रोडक्ट? बाकी दिस वाज आवर फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कैसा लगा तेरे को ये बता यार, कैसा क्या फर्स्ट डे? लाइट ही नहीं आई यार पूरी क्लास में, लाइट की काफी प्रॉब्लम रही है यहाँ पे। बाकी चलो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करते हैं, लेट्स गो गाइस।
अभी प्यास से बुरा हाल हो रहा था हमारा, अभी पानी भर रहे हैं भाई, यही हमारा लास्ट होप है, जहर तो मिल नहीं रहा है। ठंडा नहीं मिल रहा, मिल तो रहा है। हाय सर, कैसे हो? हाउ आर यू फीलिंग? रश कैसा लग रहा है? गर्मी बढ़िया है। हाँ भाई, गर्मी शब्द ना मेरे ब्लॉग में बड़ा यूज हुआ है आज, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो ऐसे एसी भी नहीं लगा हुआ आज एफआर में। मेकअप वाली स्टोरी कौन सी? मेकअप वाली वो छोड़ो यार, इसके बारे में चेंज द टॉपिक। बाकी बढ़िया, सही लग रहा है भाई, बुरा हाल है बट। और अभी भाई मिला हमारा, क्या हाल है भाई? और चल रहा है ब्लॉग? भाई बस यार, कैंट चल रहा है गर्मी भाई। मेरे आज इस व्लॉग में इतनी गर्मी शब्द का यूज किया ना यार, गर्मी भाई। एसी छोड़ो, कुछ भी नहीं लगा हमारे यार, 2 घंटे से लाइट गई हुई थी, लगा लो। और 2 घंटे का ब्रेक था बीच में। आपका तो भैया फ्लैग क्या हमें जाना पड़ता है अप डाउन रोज़। यस वो तो है, काफी दूर है आपका तो। बाकी सुनाओ, बढ़िया? बस भाई, बस मिलते हैं जल्दी फिर, अभी मैं चलता हूँ, मैं भी लेट हो रहा था। बस भाई मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई, बाय बाय। सो गाइस, वापस घर आ चुके हैं और अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। और आप ये सोच रहे हो कि मैं 11:30 व्लॉग क्यों कर रहा हूँ यार, मैं 5 बजे कॉलेज से आ गया था और 5 बजे आते ही सो गया था और 8 बजे उठा हूँ। देन उसके बाद यार घर के सामान वगैरह लेने चले गए थे क्योंकि यार सेटिंग वगैरह भी करनी थी हमें। और अभी देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अलमीरा ही सेट कर रहा हूँ। मैंने सोचा यार कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं, कर लेते हैं अलमीरा सेट। और बाकी यार इस दिन का यार काफी टाइम से वेट कर रहा था मैं, वेट इज ओवर यार। आज हम गए अपने दोस्तों के साथ मिले यार, मेमोरीज रिफ्रेश होगी एंड काफी ज्यादा मजा किया आज। और यार कसम से बोलूं मैं यार, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आगे हुए हैं क्योंकि मैंने ऑटो का काफिला देखा ना, ऑटो बसेस भर के जा रही थी स्टूडेंट्स की, भाई डर गया था मैं तो। मैंने इतने ज्यादा स्टूडेंट कहां से आ गए यार। आपने आज हमारे व्लॉग में एक चीज और भी नोटिस की होगी, गर्मी शब्द का उपयोग काफी बार हुआ है। और मैं सच्ची बोलूं, गर्मी इतनी ज्यादा थी ना, काफी ज्यादा फट गई थी और उससे ज्यादा फट भी नहीं सकती थी भाई लोग। और मैं कसम बोलूं, एक पीरियड ऐसा है जिसमें पूरे पीरियड लाइट नहीं आई, जब जाने लगे तब लाइट आई भाई। मैंने बोला व्हाट भाई व्हाट, ये क्या हो रहा है यार। बाकी यार काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा एंजॉय किया। एंड वन मोर थिंग यार, सुबह से आप सबको सस्पेंस में रखा है कि यार एक सीयू वालों के लिए एग्जाम के रिलेटेड एक गुड न्यूज आई है आज। वो गुड न्यूज सुन के आप भाई बोलोगे कि वाह क्या न्यूज लाया तू यार। बाकी मैं आपको बताता हूँ, आज मैम बात कर रहे थे पूरी पॉलिसी वगैरह की, तो वहाँ पे एग्जाम की बात आती है और मैम ने बोला कि जो एग्जाम्स होंगे वो 90% ऑफ एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, एग्जाम्स 90% ऑफ एग्जाम्स अपने ऑनलाइन होंगे, जिसमें आएंगे अपने MST और MST 2 आएगा आई थिंक, यही होंगे। MST 1 और MST 2 हमारे ऑनलाइन होंगे और जो फाइनल होंगे वो ऑफलाइन होंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे तो सही है। बाकी यार मैं तो चाहता हूँ कि भाई ऑनलाइन होए सब, 1-2 फाइनल जो भी है ऑनलाइन होए, बाकी चलो किस्मत में जो लिखा है वही होगा। बाकी यार बस यार आज के इस ब्लॉग के लिए इतना काफी था, आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा आपको पता, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स ड्रॉप करने, और ना कमेंट्स में ये चीज जरूर काउंट करना कि मैं गर्मी शब्द कितनी बार प्रयोग किया, तो यार काफी ज्यादा मजा आएगा ये चीज देखने में भी। और वीडियो में दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करना, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और मजेदार लगी, क्योंकि यार फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज सब देखते ही हैं, तो जरूर जाके अपने दोस्तों से शेयर करना कि वो भी मतलब की पूरा चीज देख सकते हैं कि क्या क्या करना होता है फर्स्ट डे पे और क्या क्या होता है। और बाकी यार चैनल का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा नीचे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को टर्न ऑन कर लो, क्योंकि जब भी हमारा नया व्लॉग आए तो आपको इजीली नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए यार हंसे रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सही लोग, और आप सब सही लोग और आपके वजह से हम मैं। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। बाकी यार अपने जो सीयू वाले व्लॉग्स हैं अब रेगुलर आएंगे, सो देखते रहो सही लोग्स।